में गंगा के किनारे अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन देने पहुंचे हैं साधु संत। अजब मेले में गजब साधुओं की टोली देखकर हर कोई परेशान, हैरान और दंग है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सच में ऐसा ही हुआ है। आइए आपको मिलवाते हैं कुंभ मेले के 5 अनोखे साधुओं से। सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष बाबा की, जो अपने सिर की जटाओं में रुद्राक्ष सजाए हुए हैं। रुद्राक्ष बाबा का असली नाम तो वशिष्ठ गिरी है और 51 किलो रुद्राक्ष और चांद से अनोखी छटा बिखेर रहे हैं। अब बात करते हैं इन बाबा की, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है। पूरे साल हिमालय में रहने वाले नागा साधु भक्तों को दर्शन देने के लिए कुंभ आते हैं और फिर हिमालय में कड़ी तपस्या के लिए चले जाते हैं। शरीर पर भभूत लपेटे इन साधुओं के रहस्य को जानने के लिए विदेशी भी उतावले घूम रहे हैं। और अब मिलिए एक टांग पर खड़े हठ योगी से। बात करने पर पता चला कि एक टांग पर खड़े होकर हठ योग करने में ये बाबा जी करीब 1 साल से लगे हैं और ना जाने कब तक इसी तरह हठ योग करते रहेंगे। हठ योगी के बाद गोल्डन बाबा की बारी है। जरा देखिए ऊपर से नीचे तक कैसे सोने से लदे हैं। दिल्ली के रहने वाले इन बाबा को शांति भंग के चलते गिरफ्तार किया गया और बाद में निजी मुचलके पर छोड़ भी दिया गया, क्योंकि गोल्डन बाबा जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, इसलिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इन तमाम बाबाओं के अलावा सेल्फी बाबा, कार बाबा और लैपटॉप बाबा भी कुंभ में देखने को मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि अब संत महात्मा भी तकनीकी का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अजब कुंभ की गजब कहानियां मीडिया हलचल आपको बताता रहेगा। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।